हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, MCQs ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का लेक्चर नंबर 11 है। जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, दो आपका फोकस PDF के ऊपर कम, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि PDF के ऊपर कम, सेशन को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, PDF फाइल्स बहुत जगहों पे मिल जाएंगी, इंटरनेट पे इधर उधर मिलती रहती हैं, पाइल अप करने का कोई फ़ायदा PDF फाइल को नहीं होता। फिर भी अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप डाउनलोड करो, पर पहले लेक्चर को अच्छे से समझो। क्वेश्चन आएगा सामने, क्वेश्चन को समझ के खुद से आंसर करने की कोशिश करो। टेस्ट की फॉर्म में एक मिनी टेस्ट लेकर के चलो, जो 7, 8, 10 क्वेश्चन होते हैं उसको एक मिनी टेस्ट अपना समझो। ओके, और उसकी फॉर्म में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, क्या गलती है, क्यों नहीं कर पाए, अगर गलत हो जाता है या नहीं आया था तो उसको अपना नोट बनाओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। रेयर डिजीजेस से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है कि आधे से ज़्यादा जो रेयर डिजीज होते हैं वो जेनेटिक होते हैं ओरिजिन में, और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रिलीज ऑफ एंजाइम्स, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट, ड्यूशन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बार बार ये चीज़ रेपिटेटिवली बोलता हूँ मैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट, आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो रेयर डिजीजेस से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट जो है रेयर डिजीजेस से रिलेटेड, वो बिल्कुल सही है, ज़्यादातर बच्चों को इम्पैक्ट करता है क्योंकि जेनेटिक होता है, जेनेटिकली आगे की जनरेशन में चला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का होने का रीज़न कुछ और होता है, वो अभी हम देखेंगे किस रीज़न से होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पता है इसके बारे में तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं भी पता तब भी आप इसका आंसर दे दोगे, तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये न्यूज़ में क्यों था पहले वो जानते हैं। न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि जनवरी के महीने में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर में मिनिस्ट्री को ये बोला गया कि मिनिस्ट्री को क्राउड फंडिंग के एफर्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्राउड फंडिंग का क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी इनिशिएटिव के लिए पैसा चाहिए, रेयर डिजीजेस में रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, तो क्राउड फंडिंग का एक रिसोर्स लाया जाएगा जिसमें लोग अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे उस डिजीज के लिए रिसर्च किया जा सके, मेडिसिन डेवलप किए जा सके। ठीक है, और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशली बोला था कि रेयर डिजीज जो ड्यूशन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है, जो बच्चों को इम्पैक्ट करता है, इस डिजीज के लिए मिनिस्ट्री को ऐसे एफर्ट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। तो रेयर डिजीज होता क्या है? रेयर वर्ड आप सब जानती हैं, रेयर का क्या मतलब हो गया, जो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो रेयर डिजीज बहुत कम लोगों को इम्पैक्ट करता है, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करता है, और इसी वजह से इनके लिए रिसर्च जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि दवाई बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, जो मेडिकल कंपनीज हैं, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हज़ारों में से एक को होना है तो दवाइयाँ बहुत कम बिकेंगी। ठीक है, अब कुछ बीमारियां ऐसी ही होती हैं। अब कोरोना है, कोरोना पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फैल गया, तो कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए सारी कंपनियों को बहुत जो है एक एनकरेजमेंट मिला कि भाई अगर हम कोविड की वैक्सीन बना लेंगे तो हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पर यही अगर कोविड, क्योंकि कोविड अभी तो क्या है, पेंडेमिक बन चुका है, अगर कोविड ऐसा होता कि 1000 लोगों में एक लोग को इफेक्ट कर रहा होता या 10,000 लोगों में 10 लोगों को इफेक्ट कर रहा होता, तो दवाई बनाने वाली कंपनियों को इतनी कोई इसकी एनकरेजमेंट नहीं होती कि वो इसकी वैक्सीन डेवलप करें। तो ये आपका एक रेयर डिजीज होता है क्योंकि काफ़ी लो प्रिवेलेंस होती है, बहुत कम लोगों को ये इम्पैक्ट करता है, तो रिसर्च जो है वो बहुत कम होती है। अब ज़्यादातर जो रेयर डिजीज होते हैं, अराउंड 80% जो रेयर डिजीजेज होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, ओरिजन में जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, और इसी वजह से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो था कि रेयर डिजीजेज क्योंकि जेनेटिक होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 56 to 72 million जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो रेयर डिजीजेस, डिफरेंट रेयर डिजीजेस से इफेक्ट होते हैं। ओके, अब हम जो दो डिजीजेस आपके क्वेश्चन में गिवन थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर,
ये बेसिकली कैसा डिसऑर्डर है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बॉडी के सेल्स में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम डेफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर नहीं बनना है अपने को, अपने अपना काम नहीं है कि अपन वैक्सीन डेवलप करें, ठीक है, या अपने में से बहुत सारे कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनके लिए बस जानना जरूरी है कि किस वजह से होता है टॉक्सिक मटेरियल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जहरीला मटेरियल जो है शरीर में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये डिजीज होता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है ये, ओके, जैसे ब्रेन, स्किन, हार्ट, और अभी तक इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या मैसेज मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है। उसके बाद ड्यूशन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें मसल्स जो हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि जो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है डायस्ट्रोफिन, जो मसल सेल्स को इंटैक्ट रखता है, उस प्रोटीन में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये मसल डिसऑर्डर एक हो जाता है। मसल्स की वीकनेस हो जाती है, काव्स जो है वो इनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपका जो स्पाइन है वो कर्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सा एक आइडिया रखना है कि बेसिकली डिजीज में है क्या, वो भी इसीलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने इसका जिक्र कर दिया, ठीक है जी। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज में एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। दो एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका कोई एज सच और कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है ईपीएफओ में, पर अगर आप आईएएस की, सिविल सर्विसेज की, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन स्टार टॉर्टोइस भाई साहब न्यूज़ में थे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट्स दी गई हैं तीन, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, बहुत ध्यान से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले क्या कह रहा है, इट इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली, कि इंडियन स्टार टॉर्टोइस सिर्फ हिंदुस्तान के सेंट्रल या साउथ इंडिया में मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो स्पीशीज है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है, ध्यान रख के गलत स्टेटमेंट पूछा है कौन सा है, ठीक है जी। देखो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल में आता है, ठीक है। तो जिसमें भी थर्ड में थर्ड है वो तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि थर्ड करेक्ट है और अपने से नॉट करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये सेंट्रल और सदर्न इंडिया के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और भी जगहों पर मिलता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन अपने से गलत ही पूछा गया है तो वन ओनली वन वाला किस में है, ए में है। तो अगर मेरे को सेकंड के बारे में नहीं भी पता तब भी मैं इसका आंसर क्या कर दूंगा, ऑप्शन ए, वन एंड टू ओनली। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग है क्योंकि शेड्यूल वन में नहीं शेड्यूल फोर में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था इनके शेल्स वगैरह को, ठीक है, ओडिशा से आंध्र प्रदेश में स्मगल किया जा रहा था, इसी वजह से न्यूज़पेपर में ये मेंशन इसका जो है आया था, ओके। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, इंडिया के अलावा, इंडिया के सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में भी मिलता है। लेकिन अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि सेंट्रल और सदर्न पार्ट सिर्फ हिंदुस्तान के सेंट्रल और सदर्न पार्ट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। ये जो स्पीशीज है स्टार टॉर्टोइस की, दो कारणों की वजह से जो है काफ़ी थ्रेट फेस करती है, एक तो इनका हैबिटेट लॉस जो हो गया एग्रीकल्चर की वजह से, ओके, और ट्रेड जो होता है इनके शेल्स वगैरह में, ओके। स्टेटस की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फोर में आता है, आपके क्वेश्चन में शेड्यूल वन लिखा हुआ था इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब जो शेड्यूल फोर है वो बेसिकली देखो, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है शेड्यूल वन टू शेड्यूल फोर वो बटा हुआ है। शेड्यूल वन और शेड्यूल टू जो है उसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। अगर शेड्यूल वन और शेड्यूल टू के एनिमल को आप टच भी कर दोगे, उंगली भी लगा दोगे, उनको हर्ट कर दोगे तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स जो है वो मिलती हैं, लेकिन शेड्यूल फोर में इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं मिलती हैं, पेनल्टी जो है वो भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो काफ़ी कम प्रोटेक्शन जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है इस एनिमल को। जो साइट्स है यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज है उसके अपेंडिक्स वन में ये लिस्टेड है, और IUCN का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट जो IUCN स्टेटस से रिलेटेड था वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। न्यूज इतनी कोई खास नहीं थी, न्यूज में वैसे तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जिक्र आता रहता है, कभी वाईफाई से रिलेटेड अगर रेलवे वाईफाई है या कुछ भी है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनका जिक्र न्यूज पेपर में आता रहता है। न्यूज कोई बहुत खास न्यूज नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए क्वेश्चन जो है वो बना दिया है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IRFC से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को लीज भी कर सकता है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नीदर। देखो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है देखने में, पर कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एक बार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज का और मार्केट बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवेज का ये, ठीक है। लीजिंग मॉडल को फॉलो करता है ताकि जो एसेट्स हैं, जो एक्विजिशन एसेट्स हैं रेलवेज के लिए, जैसे लोकोमोटिव्स, कोचेज वगैरह, तो उन सब की फाइनेंसिंग के लिए लीजिंग मॉडल को ये फॉलो करता है, ठीक है। रेलवे की कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए थ्रू वेरियस फाइनेंसेस उसके लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, ठीक है। उसके अलावा जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं ये उनको भी लीज कर सकता है, ठीक है। तो वो परमिशन भी इस कॉरपोरेशन को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडेक्स रिपोर्ट्स मैंने आपको रेगुलरली बताया कि ये यूपीएससी के पेपर्स में इनमें से एक आधा सवाल देखने को मिलता ही है इंडेक्स के ऊपर और रिपोर्ट्स के ऊपर, तो अपने लिए जरूरी है वो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंडेक्स सीक्स टू रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ सपोर्टिंग इनोवेशन। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को उनकी इनोवेशन रैंकिंग के, इनोवेशन सपोर्ट के हिसाब से रैंकिंग की जाती है। नीति आयोग इसको रिलीज करता है, ठीक है। तो फैक्ट भी आ गया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, एबीसीडी वाला, ठीक है ना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पूछ लेगा कौन निकालता है, नीचे ए बी सी डी लिख देगा, चार नाम लिख देगा, एक नीति आयोग होगा। तो उस तरीके से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वंस अगेन, वन ओनली, बोथ, टू ओनली या फिर नीदर वन नर टू। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तुक्केबाजी से कर सकते हैं इसको कि भाई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है तो स्टेट वगैरह की रैंकिंग करता होगा इनोवेशन से रिलेटेड ही। दूसरा पता होगा अपने को, फैक्चुअल है तभी कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, नीति आयोग इसको रिलीज करता है, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग अब सेकेंड एडिशन जो है वो इसका रिलीज करेगा 2020 का, शायद रिलीज हो भी चुका है, ओके। तो इंडिया इनोवेशन 2020 इंडेक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या उसमें था सब, वो चिंता मत करो, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है कि किस तरह से वो इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से, इनोवेशन पॉलिसीज के हिसाब से। पहला एडिशन अक्टूबर 2019 का लॉन्च किया गया था, ठीक है। और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो दो कैटेगरीज में उनको रैंक किया जाएगा, एक आउटकम और दूसरा जो है गवर्नेंस, ठीक है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो टोटल 36 इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर इनको रैंक किया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जाता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटा मोटा अपने को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, और जब जो रिपोर्ट से रिलेटेड डाटा होएगा उसको जब हम पढ़ेंगे तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डेजर्ट नाइट 21 ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच में। डिफेंस एक्सरसाइजेज न्यूज में चलती रहती हैं तो आइडिया रहना चाहिए इनका। तो डेजर्ट नाइट 21 इससे पहले भी हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं, सी विजिल कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी एक्सरसाइजेस हमने कवर की हैं, तो प्रीवियस वीडियो सारे देख लेना, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट 21 किसके साथ करता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है या नहीं आता है, तुक्केबाजी करके नेगेटिव मार्किंग कर लोगे इसमें, ठीक है ना। तो आंसर ऑप्शन बी फ्रांस है, डेजर्ट नाइट 21, और ये जोधपुर जो एयरफोर्स एयरबेस स्टेशन है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, लिथियम एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लिथियम जो है इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इसके ओर से सोलर इवेपोरेशन के थ्रू या फिर हार्ड रॉक माइनिंग के थ्रू, दो मेथड्स दिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि लिथियम के रिजर्व्स रिसेंटली झारखंड के इग्नियस रॉक रीजन में मिले हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर इस केस में क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लिथियम को आप सोलर इवेपोरेशन और हार्ड रॉक माइनिंग दोनों के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि रिसेंटली, जिस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि करंट अफेयर्स में था, रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश के एक रीजन में लिथियम के रिजर्व जो है वो मिले हैं हमें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर बी हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। तो एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो लिथियम की अगर हम बात करें, लाइटेस्ट मेटल है और इंडिया के पास इसके कुछ खास रिसोर्सेज हैं नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है।
और एक एल्कलाई और रेयर मेटल है। तो रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि अराउंड 1600 टन्स का लिथियम रिसोर्स जो है वो मार्लागाला अलापट्टना रीजन जो है कर्नाटका, सॉरी मैंने पीछे अभी आपको मध्य प्रदेश बताया, इसको करेक्ट कर लेना है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, कर्नाटका है, ठीक है। तो कर्नाटका का जो ये रीजन है इसमें मंड्या डिस्ट्रिक्ट में अभी हमें इसके रिजर्व्स मिले हैं, ठीक है। लिथियम को आप डिफरेंट वेज में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डिपॉजिट के हिसाब से, एक सोलर इवेपोरेशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन। इतना ज़्यादा डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया रखेंगे तो बहुत है आपके लिए, ओके। एंड लिथियम जो मांड्या कर्नाटका में हम एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन मेथड, ओके जी। चलिए, ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू असमी वेपन, असमी वेपन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये एक मिसाइल लॉन्चर है जिसको भारत डायनेमिक्स ने डेवलप किया है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये 3D इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसकी डिजाइनिंग के लिए 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का जो है वो यूज किया गया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया वंस अगेन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट हैं या दोनों सही हैं, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहली बात तो ये मिसाइल लॉन्चर नहीं है, ये एक पिस्टल है, ठीक है। दूसरी बात, इसको भारत डायनेमिक्स ने नहीं, इसको DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था इसकी डिजाइनिंग के लिए, लेकिन अपने से पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, पहला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वन ओनली विल बी द इनकरेक्ट आंसर, ओके। तो असमी के बारे में पढ़ें, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, इंडिया का पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल, ओके। जॉइंटली डेवलप किया है DRDO ने और इंडियन आर्मी ने, डिजाइन किया है इन्फेंट्री स्कूल एंड DRDO का जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसने। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था इसके डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने के लिए, ठीक है। इससे इम्प्लॉयबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि सेंट्रल और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करेंगे, VIP प्रोटेक्शन ड्यूटीज और पुलिसिंग में जो पर्सनल होते हैं उनको भी ये वेपन दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, और एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं, ठीक है। फैक्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिक्स लेकर के हमने चलना है। तो विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 2-डे वर्चुअल इवेंट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिक्स कंट्रीज, एशियान कंट्रीज, बिम्स्टेक कंट्रीज या फिर ओपेक कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज ने इस इवेंट में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया समिट जो था इसमें पार्टिसिपेट किया, ओके। सो आंसर हेयर विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो है वो दिखाया था। तो 2 दिन का ये एक समिट था जिसको ऑर्गेनाइज किया था आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और जो इनॉग्रल इवेंट था उसमें आपकी जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। होमवर्क क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, आपने बिम्स्टेक के मेंबर्स का नाम बताना है, बिम्स्टेक मेंबर्स का आपने जो है नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। और बेसिकली समिट के थ्रू, बिम्स्टेक कंट्रीज की पार्टिसिपेशन के थ्रू इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी हाईलाइट किया और कैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्टअप को, जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है वो इसमें हाईलाइट किया गया था। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर ये वीडियो का हम एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ नए क्वेश्चंस और रिवीजन करने को जो है वो हेल्प मिला होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं उसको, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9041244689 और आप मेल कर सकते हैं shikshit@gmail.com पर, ओके। एंड पेड कोर्सेज का लिंक जो है या PDF फाइल्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।